हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है देवी लक्ष्मी जी पर हिंदी भाषण। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। आज मैं आपके सामने देवी लक्ष्मी जी पर एक भाषण प्रस्तुत कर रही हूँ। लक्ष्मी जी हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। यह भगवान विष्णु जी की पत्नी हैं। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी जी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। धन कमाने और धन का संचय करने से ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं होती। जिनके पास धन है उन्हें केवल धनवान कहा जाता है, लेकिन जिनके पास धन है और वह उसका उपयोग अच्छे कर्मों के लिए करता है उसे श्रीमंत कहा जाता है। जिस भी घर में बेटी पैदा होती है तो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी आई है। जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ पर लक्ष्मी जी का स्थान नहीं होता। जहाँ स्वच्छता रहती है झूठ छल और कपट नहीं होता, सदैव प्रेम और शांति बनी रहती है, वहीं पर लक्ष्मी जी का निवास होता है। लक्ष्मी जी का सिंहासन कमल है, उनकी सवारी उल्लू है, उनके एक हाथ में कमल का फूल है और दूसरे हाथ से वह पैसों की बरसात करती है। दीपावली के दिन सभी लोग धन और सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। जो भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी जी की सच्चे हृदय से पूजा पाठ करता है उन्हें मखाने पताशे ईक हलवा मिठाई आदि का भोग लगाता है, कमल का फूल अर्पित करता है, उससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और उसके पास ही रहती हैं। इसीलिए हमेशा सद्गुणों को अपनाओ जिससे माँ लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में ही निवास करें। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद अपने भक्तों पर हमेशा बना रहता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।